अल्कोहल और सेक्स, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कभी सारे लोग पूछते हैं जब सेक्स के प्रॉब्लम लेके हमारे पास में आते हैं तो कि भाई मैं शराब लेके सेक्स करूँ क्या। एक्चुअली क्या है कि शराब जो है ना उसका एंटी सेक्सुअल इफेक्ट, मतलब सेक्स के खिलाफ उसका इफेक्ट है। मगर अभी ऐसा है कि मैकबेथ ने, मतलब मैकबेथ जो ड्रामा है उसमें शेक्सपियर ने सही तरीके से कहा था कि भाई अल्कोहल इंक्रीज द डिजायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस। अल्कोहल से क्या होता है कि इच्छा ज़्यादा हो जाती है मगर वो कृति नहीं कर पाता, तो उससे प्रॉब्लम हो जाता है। उसकी इच्छा है और वो कृति नहीं कर पाता, और जब इच्छा बढ़ जाती है शराब लेने के बाद में, क्यों? क्योंकि अल्कोहल लेने से उसका फटीक निकल जाता, फिर उसका इरिटेशन निकल जाता, उसको अच्छा लगने लगता है ना, ए फीलिंग ऑफ वेलबींग आता है, इलेशन आता है, और फिर वो बड़ी बड़ी बातें करेगा और फिर उसकी इच्छा भी बढ़ जाएगी सेक्स करने के लिए। मगर वो एक्चुअली करने लगा तो उसका सेक्स नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम होने से होता क्या है कि फिर वो पत्नी को दोष देना चालू कर देता उसके बारे में, उसको शक आने लगता है पत्नी के ऊपर, ये मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यदि उसकी इच्छा पूरी नहीं कर रहा हूँ तो ये कहीं बाहर जा रही क्या, और फिर ये नया नाटक चल हो जाता है, उसको शक आना चल हो जाता है। अल्कोहल आप कब लेते हैं उसके ऊपर है। अल्कोहल यदि खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद लिया तो उसका एब्सॉर्प्शन जो है खून में वो जरा आराम से होता है, उसका इफेक्ट भी आराम से आएगा। मगर भूखे पेट यदि शराब ली तो उसका इफेक्ट जल्दी आ जाता है। एक्चुअली याद है कि कम मात्रा में यदि शराब लिया तो वो सेक्स के लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि उसमें जो एंग्जाइटी है, डर है, होगा नहीं होगा ऐसा डर है, तो वरी टेंशन वो निकल जाने के बाद में अच्छा से इच्छा, उसकी इच्छा हो जाती है। मगर अभी वही अल्कोहल अभी आप कितना लेते हैं, कितना कॉन्सेंट्रेशन का लेते हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि ले लिया तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति को आता है सेडेशन, नींद आना चालू हो जाती, फटीग आना चालू हो जाता है, और फिर उसके वजह से फिर जो सेक्स करने की इच्छा है वो निकल जाती। तो कभी भी ऐसा देखना है कि भाई बहुत ज़्यादा शराब लिया तो सेक्स नहीं कर पाएगा, बहुत कम लिया तो सेक्स हो सकता है अच्छा कर पाएगा मगर फिर उसकी आदत लग जाएगी। तो यदि सेक्स करने का है तो कोई अल्कोहल उसका इलाज नहीं है, मतलब सेक्स होता नहीं, तो सेक्सुअल डिजायर अल्कोहल कम करता है, और उसके साथ साथ यदि वो लीवर के ऊपर यदि इफेक्ट होना चालू हो जाएगा उसका अल्कोहल का, और लीवर यदि खराब होता है तो वैसे ही उसका सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, क्योंकि लीवर यदि खराब हो जाता है तो उसका इफेक्ट टेस्टोस्टेरोन पे आएगा, टेस्टिकल के ऊपर आएगा, टेस्टोस्टेरोन के ऊपर आएगा, और वहाँ से फिर उसका सेक्सुअल डिजायर भी कम हो सकता है। तो ये है सेक्स और अल्कोहल। और कभी भी सेक्स अच्छा होने के लिए या सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए अल्कोहल कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो सोल्यूशन नहीं है। यदि साइकोजेनिक इंपोर्टेंस है, नपुंसकत्व है या शीघ्र पतन है, उसके लिए उसका इलाज करना जरूरी है, उसका इलाज शराब नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।